अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइदास किचन विद समन। आज मैं आपके साथ अपनी एक न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, कपकेक्स। इस रेसिपी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चलें देखते हैं। 2 कप मैदा, ये वाला कप, ये मैंने 2 कप लिया है। 2 अदद अंडे, 1 प्याली चीनी, 1 कप ऑलिव ऑयल है और 1/2 ग्लास मैंने ऑरेंज जूस का लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर और 1 पिंच मीठा सोडा, वनीला एसेंस। इन तमाम चीज़ों को मैं एक बाउल में डाल के इसे अच्छे से बीट करूँगी। ये वाली मैं रेसिपी अपनी टी कप में बना रही हूँ। इस तरह के टी कप ले लें और इसे मैंने ऑलिव ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया और थोड़ा सा हल्का सा मैदा इसमें छिड़क दिया। ये वाली रेसिपी मैं विदाउट ओवन बना रही हूँ और ये 1 अदद में मैंने पुराना देच का लिया है और इसके नीचे मैंने नमक डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने एक स्टीमर रखा है और स्टीमर के ऊपर मैंने एक इस तरह बिछाना सा रख दिया। अब 1 अदद मैंने बॉल लिया है, इसमें मैंने दोनों अंडे तोड़ के डाल दिए हैं और साथ ही इसमें मैं ये चीनी डाल दूंगी और इसे हैंड बीटर से मैं अच्छे से इसे बीट कर लूँगी। अंडे और चीनी को मैंने अच्छे से बीट कर लिया। अब इसमें मैं बाकी की तमाम चीज़ें डाल दूँगी। वनीला एसेंस, ऑलिव ऑयल और मैदा। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये इस तरह इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार हो गया। अब मैं जो ऑरेंज जूस है वो मैं ऐसा ऐसा करके डालूंगी ताकि ये लिक्विड ना बन जाए। इसमें तकरीबन 2 ऑरेंज का जूस इसमें डाल गया और इतना सा बच गया। इसलिए मैंने 4 ऑरेंज का जूस निकाला था और हमें ज़्यादा लिक्विड नहीं करना, इस तरह का बैटर हमने तैयार करना है। अब जो हमने बैटर तैयार किया है, अब हम अपने इन कप में डाल लेंगे। इस कप को 1/2 फिल कर लेंगे। बैटर को इस तरह मैंने इतना इतना कप्स में डाल दिए। अब हम अपने ओवन में इसे रखेंगे। मैंने इस तरह सारे कप्स इसमें रख लिए। और इस पे 20 मिनट तक हम ढक्कन दे देंगे और नीचे चूल्हे की आग आप मीडियम रखिएगा और उससे देखते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखें हमारे कितने अच्छे से कपकेक्स तैयार हो रहे हैं। कोई भी इस तरह शाशलिक स्टिक ले लें और इसकी मदद से चेक करें। ये देखें बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है हमारे कपकेक्स तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार है। तो मिलते हैं गार्निश के बाद।
अभी ये ठंडे हो चुके हैं, इसे आप छुरी की मदद से इस तरह ये इजीली निकला। ये देखें कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। ये ऑरेंज कप केक्स बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की हफाजत फरमाए, आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।